नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। सबसे पहले मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा और उन सभी से ये कहना चाहूंगा कि आज दिन भर भी ये नाटक बनता रहा, ये तमाशा बिल्कुल बनती रही कि आज मैंने 75 कर लिया, 80 कर लिया, 85 कर लिया, या 90 तक करने वाले भी बच्चे दिखाई दिए थे। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि यार, हमारा कंपटीशन आप लोगों के साथ नहीं है जो 90 करके आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। यार, आपको तो मेंस के, आपको तो इंटरव्यू के लिए सीधा तैयारी करना चाहिए। तो मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि यार, आपने अगर गलती से भी इस वीडियो को देख लिया है तो आप इसको अनलाइक कर दी, डिसलाइक कर दीजिए, उसके बाद आप चले जाइए चुपचाप। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं इस एनालिसिस पे। और बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों कि जिन्होंने 80 किया, 85 किया, आप खुद बताइए दोस्तों कि 85 तक करना SBI PO, दैट टू SBI PO एंड दैट टू सेक्शनल टाइमिंग बनाई गई है इस बार। पिछले बार अगर आप देखोगे कंपोजिट टाइम भी रहती तो 85 करना बड़ी मुश्किल वाली बात है। फिर भी अगर आप 85 बता रहे हो, 75, 80 तक बता रहे हो, दैट मीन्स एक्सेप्शनल हो यार आप लोग। तो चलिए वहां पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और पिछले साल की बात करते हैं दोस्तों। पिछले साल जो हुई थी 51.5 कट ऑफ गई थी, यानी 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, SBI PO जब वैकेंसीज आई थी, दैट थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा वैकेंसीज था, 3500 मसलन लगभग उतना ही था, लेकिन इस बार थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। लेकिन मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि कंपटीशन हर साल बढ़ रही है, हर लेवल पे एक नया लेवल क्रिएट हो रहा है, क्या आपको लगता है कि 51.5 इस बार भी जाएगा? आप खुद सोचो, कितने सारे फैक्टर्स इस बार मसलन इतने सारे फैक्टर्स इंक्लूड की गई है जहाँ पे कि सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है कि यार सेक्शनल टाइमिंग रिड्यूस हो गई, यानी सेक्शनल टाइमिंग बैठाई गई है, जैसे कि 2020 है, 2020 का गेम हो गया है। और उसके बाद फिर टफ, देखो आप 20 मिनट तो हमें दे दिए, उसके बाद हर एक 20 मिनट पे एक ऐसा सवाल के साथ हमें उलझने के लिए आप मौका दे रहे हो जहां से हम अपने आप को सुलझा नहीं पा रहे हैं। बल्कि हर एक एक शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो टफनेस जो थी ना, जो डिफिकल्टी लेवल जो थी, हर एक एक शिफ्ट में बढ़ती रही। तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक शिफ्ट के बाद मैं अपना एनालिसिस लेके आने का सोच रहा था, लेकिन खुद मेरा एग्जामिनेशन तीसरे नंबर शिफ्ट पे था, इसलिए मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाए और उसके बाद ही एनालिसिस करने का मुझे मौका मिले। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सीधे मैं आपको यहां पे टॉपिक पे दिखाता हूं कि कटअप जो रहने वाली है दोस्तों इस साल, शायद मैं बता रहा हूं दोस्तों, देखिए मेरा कटअप जो प्रेडिक्शन होता है लगभग हर एक एग्जामिनेशन का सही बैठता है। तो यार, आप मेरे जितने वीडियोज आप उठा के देख लो, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले, एक दो महीने पहले मैंने प्रेडिक्शन कर दी थी और उतना ही लगभग बैठ जाता है कटअप। तो यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि कटअप 42 से 46 के बीच ही रहेगी। इसके क्या कारण है, क्या आसार है, क्यों ऐसा हो गई है, तो मैं आपको सब कुछ आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगा दोस्तों। तो पहले ये कहना चाहता हूँ कि 42 से 46 ऐसा हो सकता है कि 40 के नीचे भी आ जाए। आप लोग सोच के हंस रहे होंगे, बट आई एम टेलिंग टू यू फ्रेंकली, 40 से 41 ऐसा भी आ जाए। बात समझ रहे हो, मैं अपनी शिफ्ट के बारे में बताता हूँ। चलिए, आज रीजनिंग एग्जाम हुआ, सबसे पहला तो इंग्लिश ही दिखाई दिया, चलो इंग्लिश की बात ही नहीं करूंगा, मैं रीजनिंग की बात करता हूँ सीधे। रीजनिंग ऐसा लगा कि आप कोई मेंस एग्जामिनेशन पे बैठ गए हैं, यानी आपको ना कोई सिलॉग दिखाई दिया, ना कोई इनइक्वालिटीज दिखाएगी, ओनली पजल्स दिखाई, यानी 5 पजल्स। बॉक्स बेस्ड पजल आया था, उसके बाद आप देखोगे लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट आया था, 5 पजल्स, 5 पजल्स माय दोस्त, 5 पजल्स। और 5 पजल्स ऐसे आए थे कि एक एक पजल ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, यानी अगर आपने 20 मिनट में 2 पजल भी बना दिया तो आपने शायद हर एक जो क्या कहते हैं, एक हर्डल को आपने पार कर लिया दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 पजल्स 20 मिनट, लॉजिक 5 पजल्स 20 मिनट सॉल्व कैसे करोगे मेरे यार, आप कैसे सॉल्व करोगे? और वहां पे ऐसा होता है दोस्तों कि आपको भी पता होगा कि जब हम क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो कि हमने 21 नंबर को सिलेक्ट किया, वहां पे सिलेक्ट करोगे कंबक, जैसे सिलेक्ट करोगे तो ऐसा हो जाता है कि आप क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए ऐसा लगेगा आपको। मतलब सिलेक्शन जो उसकी जो पैनल साइड में रहती है ना, जो कीज रहती है, या आप बता सकते हो 21 नंबर पे सिलेक्ट करोगे अपना कर्सर लेके, तो वो 25 दिखाने लगता है ऐसा। ये शायद मजाक नहीं है, आपने भी बहुत बार इसको एक्सपीरियंस किया होगा। और ऐसा होता है कि यार आपको ढूंढना पड़ता है, मतलब वो काफी ऑड नंबर्स में रहता है, या 20 नंबर पे ये एक दे दिया होगा कुछ, तो
23rd पे कुछ दे दिया होगा, तो ऐसा होता है, तो इसमें काफी टाइम चली जाती है। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाले एग्जामिनेशन में शायद सिलॉग और भी ना दिखाई दे। सिलॉग तो बिल्कुल नहीं आया था मेरे शिफ्ट में, इनइक्वलिटीज बिल्कुल नहीं आया था, फिर कोडिंग डिकोडिंग गायब। यार आप चाइनीज कोडिंग की बात करो, चाइनीज कोडिंग भी नहीं आया था। उसके बाद आप कुछ भी उठा लो, उठपटांग कोडिंग डिकोडिंग वो भी नहीं आया था, सिर्फ पजल्स ही पजल्स मसलन दिखाई दिए, तो और कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ कारण क्या है। देखिए यार, मसलन वैकेंसीज बहुत कम है, तो ऐसा कुछ करेगा ही SBI की इतना टफ बना दे कि बच्चे प्रीलिम्स में ज़्यादा ज़्यादा कट जाएं। आर यू अंडरस्टैंड? मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाले जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन देने जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा जो हथियार जो रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि आपका एक्यूरेसी सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, मान के चलिए यार, मान के नहीं ठान के चलिए, आपका एग्जामिनेशन निकल गया, आपकी एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है, तो मान के चलिए आप प्रीलिम्स तो क्या और कुछ नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एक्यूरेसी हर एक एग्जाम में अब मैटर कर चुकी है दोस्तों। और यहाँ पे जो चीज़ निकल के आ रही है वो दैट इज पिक एंड टिक। पिक टिक का मतलब क्या है? पिक टिक का मतलब यही है, आप उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करो जो क्वेश्चंस आपके जोन का हो, यानी जो क्वेश्चंस आपके फेवरेट बने, वही क्वेश्चंस को आप पकड़िए और उसको ही ज्यादा से ज्यादा टिक करिए। टिक करिए यानी उसको ही लगाइए आप क्वेश्चंस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ यार ज्यादा नहीं जाएगी इस बार, 51.5 लिखा है, सॉरी लिखा नहीं, मतलब पिछले बार गया था कट ऑफ, तो इस बार 51 से कमेगी, ज्यादा नहीं जाएगी मेरे भाई, नहीं जाएगा ज्यादा, यानी 42 से लेके 47 या मैं जितना बता रहा था 42 से लेके 46 उतना ही रहेगा मेरे भाई, और ज्यादा नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा, मैंने बता दिया है कारण, उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता यार। और उनकी बात करना ही छोड़ दो जिन्होंने 70 अटेम्प्ट किया है, बात समझ रहे हो मैं क्या बता। देखो ऑल इंडिया की कटअप बनेगी और 500 बच्चे तो ऐसे होंगे ना दोस्त, आप कुछ सोचो ना, 500 बच्चे तो ऐसे होंगे जो 80 क्या 90 बना के आएंगे, एक्सेप्शनल टैलेंटेड बच्चे होंगे, उनसे तो यार हमारा कंपटीशन है ही नहीं, हम उनसे बात नहीं करना चाहते। तो बाकी जो 1500 है ना, उनके लिए हम कम्पीट कर रहे हैं मेरे भाई, हम वी आर कम्पीटिंग फॉर दिस रिमेनिंग वैकेंसीज। हम 500 उनके लिए हम नहीं कर सकते, उनके साथ हम क्या कम्पीट करेंगे? उनके साथ कम्पीट करोगे तो आप खुद को फ्रस्ट्रेशन जैसे बुलावा होता ना, उसको बुला रहे हो आप। तो वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप 500 में आ सकते हो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप 500 में नहीं आ सकते हो, लेकिन आपको वक्त लगेगा। वक्त क्यों लगेगा? क्योंकि आपको पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सके कि आप RRB जब PO या ऑफिस असिस्टेंट हो, वहां पे आप अच्छा कर जाओ, आप इन्हीं 500 में ही काउंट हो जाओ, आप भी 80 बना के चले आओ। आर यू अंडरस्टैंड? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्यूरेसी को फोकस करिए और ज्यादा से ज्यादा पिक एंड टिक करिए, यानी क्वेश्चन उनको ही सिलेक्ट कीजिए जिन पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, बाकी वाहियात जवाबों पर आप मत जाइए, ठीक है? और 55 या मैं बता सकूं 50+ या 55 अगर आपकी अटेम्प्ट सही बैठती है एक्यूरेसी के साथ, तो यू आर इन द कंपटीशन। आप देखोगे IPS PO की जो गई थी 42.5 गई थी, तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। PO की जो कट ऑफ होती है हमेशा वो कम ही होती है, और कम उनके लिए होती है जो कम करके आते हैं, उनका ही सिलेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि मैंने आपकी हर एक सवालों का जवाब दे दिया है। और प्लीज़ यार एक लाइक तो करिए, सब्सक्राइब करो ना करो वो दूसरी बात है, लाइक तो कर देना, ठीक है? और वो 500 बच्चे जो गलती से वीडियो को देख रहे हैं वो डिसलाइक कर दो भाई, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।